संस्कृत भाषा की ऑनलाइन कक्षा में आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से श्लोकों की व्याख्या करेंगे। जैसे कि मैंने किरातार्जुनीयम महाकाव्य का कथानक बताया था, विद्यार्थियों, कौरवों से द्युत कीड़ा में पराजित होकर महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वन में आकर रहने लगे। वहाँ रहते हुए युधिष्ठिर ने कौरवों की शासन व्यवस्था संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु गुप्तचर के रूप में एक वनेचर को कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर भेजा। वह वनेचर ब्रह्मचारी का वेश धारण कर हस्तिनापुर गया तथा वहाँ कुछ दिन रहकर और संपूर्ण राजकीय वृतांत को जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास में आता है। उसने दुर्योधन की शासन व्यवस्था का जो वर्णन किया, इसी घटना के साथ इस सर्ग का शुभारंभ होता है। महाकवि भारवी के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम श्लोक है, श्री यह कुरुणाम धिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। अर्थात द्युत कीड़ा में पराजित होने के बाद द्वैतवन में युधिष्ठिर और द्रौपदी और अन्य पांडव निवास करने लगे। वहाँ रहने पर जिज्ञासावश युधिष्ठिर ने दुर्योधन की राजनीति को जानने के लिए, उसके राज्य का समस्त वृतांत जानने के लिए, शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने एक विश्वासपात्र वनेचर को गुप्तचर के रूप में जब वहाँ भेजा, तो वह वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में हस्तिनापुर जाकर वहाँ के लोगों से हिल मिलकर संपूर्ण वृतांत जानकर पुनः युधिष्ठिर के पास में आता है। कुरुजन पद के स्वामी अर्थात दुर्योधन की राजलक्ष्मी के रक्षक दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर सारा वृतांत जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। यह इस श्लोक का भावार्थ है। संस्कृत साहित्य में मंगलाचरण की परंपरा है। महाकवि भारवी ने इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए महाकाव्य के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। चूंकि यहाँ कथा वस्तु का संकेत किया है, इसलिए यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि महाकाव्य के एक सर्ग में प्रारंभ से अंतिम के एक या दो पद्यों को छोड़ करके छंद समान रहता है, उसी प्रकार से प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है अंतिम दो पद्यों को छोड़कर। दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं हम। दूसरा श्लोक है, कृत प्रणामस्य महिम मही भज मही भुजे जिताम स पत्ने निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनु न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति निशा हितैषिणः। अर्थात वनेचर ने लौटकर महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत
दुर्योधन के समस्त शासन व्यवस्था प्रजा संबंधी व्यवहार को स्पष्ट शब्दों में कह सुनाया। उसने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी मिश्रित नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि शत्रु की प्रशंसा करने से उसके स्वामी को कष्ट होगा। तथापि उसने अपने कर्तव्य को समझते हुए वस्तु स्थिति का समुचित वर्णन किया, क्योंकि हित चाहने वाले व्यक्ति असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते, अर्थात अपने स्वामी का हितेशी होने के कारण स्वामी को अंधकार में रखना उसने उचित नहीं समझा, क्योंकि ये भली भांति जानता था कि यदि वास्तविकता को बतला दिया जाएगा तो महाराज युधिष्ठिर उसका यथोचित प्रतिकार करने में समर्थ हो सकेंगे। इसीलिए उस वनेचर ने जो कुछ हस्तिनापुर राज्य में देखा उसका वैसा ही वर्णन युधिष्ठिर के सामने कर दिया और अपने विश्वास पात्र होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सामान्य विशेष कथन का समस्त हितेशिनों के सत्य कथन रूप सामान्य उक्ति से समर्थन किया गया है, अतः अर्थांतर न्यास अलंकार सिद्ध होता है। अगले श्लोक की तरफ हम चलते हैं। द्विषां विघाताय विधातुम इच्छितो रहस्ये नुजाम अधिगम्य भूभृतः स सौष्टवो दारे विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम् इति वाचम् आददेहे। अर्थात शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक महाराज युधिष्ठिर का आदेश प्राप्त कर एकांत में उस वनेचर ने शब्द वैचित्र्य तथा सार्थक शब्दों से संपन्न प्रामाणिक अर्थ वाली वाणी का प्रयोग किया। अर्थात कहा जाने वाला संदेश कानों को प्रिय लगने वाला नहीं है, तथापि प्रतिकार हेतु कहना पड़ रहा है। इस प्रकार मन में विचार करके और अप्रिय बात कहने संबंधी मेरा अपराध आप क्षमा करें, इस प्रकार की अनुमति को प्राप्त करके वनेचर ने शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा रखने वाले महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त करने के उपरांत शब्दार्थ के गौरव से परिपूर्ण और प्रमाणों से निश्चित अर्थ वाली वाणी को वचन को कहना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी गुप्तचर वनेचर की विश्वास पात्रता प्रकट होती है। इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। अगला श्लोक है, क्रियासु युक्तहि नृप चार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवो नु जीविभिः अतोर हसि शन्तुं साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। अर्थात हे राजन, महाकवि भारवी वनेचर के मुख से कहला रहे हैं कि कार्यों में नियुक्त किए गए दूत आदि सेवकों को गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रिय अथवा अप्रिय मेरे कथन को आप क्षमा करें, क्योंकि हित करने वाली तथा प्रिय लगने वाली वाणी दुर्लभ होती है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में महाकवि भारवी ने हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इस सूक्ति में गागर में सागर
भर दिया है। अत्यंत विपुल अर्थ को छोटे से वाक्य में कह दिया है। श्लोक का भावार्थ हम देखते हैं। वनेचर इस प्रकार से कह रहा है कि राज्य का संपूर्ण कार्य राजा स्वयं देख पाने में असंभव महसूस करता है, अतः वह अपने सेवकों, दूतों, मंत्रियों आदि के द्वारा जो जानकारी है, सूचनाएं हैं, उस पर निर्भर रहता है। ऐसी स्थिति में राजा और राज्य दोनों के लिए कल्याणकारी यही होता है कि गुप्तचर सत्यनिष्ठ हो, विश्वास पात्र हो। राजा युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त वनेचर इस तथ्य को भली भांति जानता था और उसे यह भी ज्ञात था कि यथार्थ कटु होता है तथा उसे बताने पर महाराज को कुछ क्षणों के लिए बुरा भी लग सकता है। अतः उसने अपनी कटुक्ति के लिए क्षमा याचना करता हुआ इस प्रकार से कहता है कि मैं आपको भला या बुरा जो भी कहूँगा उसे आप क्षमा करें, क्योंकि संसार में ऐसा वचन मिलना कठिन है जो भला करने वाला भी हो और मन को अच्छा लगने वाला भी हो। और वास्तविकता भी यही है कि इन दोनों में से एक बात ही संभव है, या तो भला करने वाला होगा या फिर मन को अच्छा लगने वाला ही होगा। दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। इस पद्य में विशेष का सामान्य से समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार सिद्ध होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, यहाँ पर किरातार्जुनीयम महाकाव्य के चार श्लोकों की व्याख्या कार्य संपूर्ण होती है।